सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को ऊपर दिख रहा होगा कि कालाम सूत्र का सच। तो कालाम सूत्र में क्या बताया गया है उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कालाम सूत्र में जो बताया है उसको लेकर लोगों को कन्फ्यूज़न भी है और लोग इसको गलत तरीके से भी यूज़ कर रहे हैं और इसको गलत तरीके से वो समझते भी है, जैसा लिखा हुआ नहीं है उस तरीके से समझते हैं। जैसे कि एक बात ये सब लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कालाम सूत्र में कि मेरी बात भी मत मानो, यानी कि भगवान बुद्ध की बात भी नहीं मानो। तो हम देखेंगे कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कालाम सूत्र में या फिर ये बस गूगल पर एक क्वाट फेमस कर दिया है ये सब लिखकर, तो ये बातें भी जानेंगे। दूसरी बात लिखी है कि किसी भी बात पर विश्वास मत करो, ऐसा है कालाम सूत्र में, तो वो भी देखेंगे कि ऐसा कुछ बताया है क्या कि कालाम सूत्र में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कि किसी भी बात को नहीं मानो, तो उसके बारे में भी हम चेक करेंगे। तो कालाम सूत्र में ऐसा है कि एक बार ऐसा होता है कि भगवान बुद्ध जो थे, जो कौशल जनपद था वहाँ पर चारिका कर रहे थे, मतलब कि वहाँ पर वो रह रहे थे तभी, और केशपुत्र नाम कालामों का निगम था वहाँ पर वो थे। तो वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं, केशपुत्र नाम के जो कालामों का जो निगम यानी कि शहर या कोई एरिया था, वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो जो केशपुत्र कालाम थे उन्होंने ऐसी बातें सुनी हुई थी कि इस संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए, यानी कि बुद्ध बने हैं, कि वो भगवान है। भगवान सबको मतलब पता ही होगा, आई होप कि अभी पता चल गया होगा कि भगवान का सही अर्थ क्या है, कि वो भगवान पूज्य है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या और आचरण से युक्त है, लोक विदु है, ठीक है, शास्ता है, गुरु है, देव और मनुष्य दोनों के गुरु है। इस प्रकार से बातें फैली हुई थी और ऐसा वो लोग मानते थे कि जो अरहंत हो जाते हैं उनका दर्शन करना तो बहुत लाभदायी होता है। तो वो सब लोग पहुंचते हैं कि चलो भगवान जो है इनकी इतनी ज़्यादा ख्याति फैली हुई है तो उनसे मिल लेते हैं। तो वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर पहुँचकर वार्तालाप करते हैं, भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं, अपना अपना नाम बताते हैं और फिर अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। फिर उसमें से एक कालाम होता है, वो पूछता है भगवान बुद्ध से कि बनते कुछ लोग आते हैं, यानी कि उस समय श्रवण परंपरा और बमण परंपरा प्रचलित थी, तो उनके बहुत सारे मत होते हैं, जैसे कि जैन धर्म था, आजीविक था, चार्वाक था, ठीक है, और जो यज्ञ और ये सब करते थे वो लोग भी थे ब्राह्मण परंपरा से। तो वो लोग बताते हैं कि बनते कुछ श्रमण और ब्राह्मण यहाँ पर आते हैं और वो क्या करते हैं कि वे अपने ही मत को, मत मानी कि अपने जो बिलीव करते हैं उनका जो टीचिंग से उसको प्रकाशित करते हैं, चमकाते हैं, मतलब बताते हैं, और जो दूसरों के मत है, दूसरों के बिलीव से या दूसरों की जो टीचिंग से, उनकी निंदा करते हैं और उनका अनादर करते हैं, उनको तिरस्कार कर देते हैं। बनते दूसरे भी कुछ श्रमण और ब्राह्मण यहाँ पर आते हैं, वे भी अपने मत को ही प्रकाशित करते हैं और दूसरों के मत की निंदा करते हैं। तो हमें कैसे पता चले, हमारे मन में शंका उत्पन्न हो रही है बनते, कि इससे हमारे मन में शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है कि इन श्रमणों में से किसने सत्य कहा है और किसने झूठ कहा है। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी, क्या प्रॉब्लम थी, अभी भी ये सब प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। अभी जैसे कि बहुत सारे रिलीजन है, जैसे कि हिंदू धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, ठीक है, जैन है, बौद्ध है, सब है, तो उसमें भी सबको क्वेश्चन आता होगा यार कौन सा सही है कौन सा गलत है। सब लोग अपना अपनी बड़ाई भी करते हैं, लोगों की निंदा करने लग जाते हैं कि ये अच्छा नहीं है, हमारा धर्म अच्छा है, ठीक है, जो जो अपने अपने बातों पे बिलीव करते हैं उसको अच्छा बताते, दूसरों को बुरा बताते, ऐसा अभी भी करते। तो उस समय भी ऐसा होता था। तो पूछते हैं कि हम कैसे जाने, हमें शंका होता है, संदेह होता है कि हम कैसे जाने कि इसमें से सही टीचिंग्स कौन सी है, किस पर चलना चाहिए। तो कोई अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो वो कहता कि अरे मेरी टीचिंग्स अच्छी है, चलो मेरी टीचिंग्स पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, जो जैसा प्रश्न होता है वैसा ही उत्तर देते हैं। कुछ भी मतलब हम लोग या बाकी जब लोग होते उस तरीके से बातें नहीं करते, क्योंकि वो सम्यक संबुद्ध थे
उनकी प्रज्ञा का तो कहना ही क्या। तो वो इस तरीके से नहीं कहते कि चलो मेरा धर्म अच्छा है या मेरा टीचिंग्स अच्छा है तो मेरे टीचिंग्स के मुताबिक जीवन जी लो, नहीं ऐसा नहीं कहते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे कालामो, शक करना ठीक है, संदेह करना ठीक है, शक पैदा होने की जगह पर ही तुम्हें शक उत्पन्न हुआ है। यानी कि जहाँ पर तुम्हें संदेह पैदा हुआ है वो बहुत सही जगह है, यहाँ संदेह उत्पन्न होना ही चाहिए था कि अरे मैं किसकी टीचिंग्स को फॉलो करूँ, मेरा जीवन में जो जीना है तो मुझे किसकी टीचिंग्स पे जीना चाहिए। तो ये सही जगह पर तुम्हें संदेह पैदा हुआ है, ये अच्छी बात है, बेकार की जगह पर संदेह उत्पन्न नहीं हुआ है उनका। फिर आगे भगवान बुद्ध बताते हैं, क्या बताते हैं, जो ये बहुत फेमस कोट बन गया है कि सभी लोग ये चिपका देते हैं सब जगह पर, कुछ भी बात बोलते हैं तो यही कलाम सूत्र का यही बात चिपका देते हैं, कह रहे कुछ भी मत मानो, कुछ भी मत मानो, खुद से जानो, ऐसे ठीक है थोड़ा बहुत बता देते हैं अपने तरीके से, लेकिन सच में क्या भगवान बुद्ध ने बताया था ठीक है उसको हम जानेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं हे कलामो आओ, ठीक है, और कहते हैं कि तुम, यानी कि सबको, हम सबको भी बता रहे हैं, तो इसमें से सबको सीखने को मिलेगा कि हमें कैसे धर्म या कैसी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए, यहाँ से हम भी सीख पाएंगे कि हे कलामो। तो भगवान बुद्ध सबसे पहले ये बता रहे हैं कि किस किस बात को नहीं मानना है, ठीक है, उसके बाद आगे भगवान बुद्ध ये भी बताएंगे कि किस किस बात को मानना है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है तो हमें इतना ही पता है कि अरे किस किस बात को नहीं मानना है यही बताया है, ठीक है, तो हम बाकी मतलब यही कोट को लेकर सब सब कुछ मतलब कि नेगेटिव तौर पर ले लेते हैं और सब कुछ ऐसे बोलते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी मानना नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने आगे पढ़ा नहीं है, अगर आगे पढ़ते तो हमें मालूम पड़ता कि भगवान बुद्ध ने क्या बताया है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कुछ 9 या 10 या 7-8 पॉइंट बताए हैं कि किस किस बात को नहीं मानना है, किस प्रकार की हो तो उसमें से सबसे पहले ये बताया है कि तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि ये बात अनुसृत है, यानी कि पहले सुनी हुई बात है, बहुत सारे लोगों से पहले सुनी हुई है इसीलिए इस पर विश्वास मत कर लेना। केवल इसीलिए मत स्वीकार करो कि ये बात परंपरागत है, यानी कि परंपरा से चलती आ रही है, बहुत सारी बात भगवान बुद्ध के समय पे थी जो परंपरा से चलती आ रही थी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते कि ऐसा लोग मानते थे परंपरा से कि लोगों का जन्म कैसे हुआ है, कि मानते कि कोई है एक क्रिएटर जिसके मुख से ये उत्पन्न हो गए, जिसके पैर से ये उत्पन्न हुए, ठीक है, उसके बाहु से ये उत्पन्न हुए, ऐसी परंपरा थी। तो इस तरीके परंपरा से जो चलती आ रही है फिर भी उसे मत मानना, ठीक है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसीलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म ग्रंथों के अनुकूल है, ठीक है, केवल इसीलिए मत स्वीकार करो कि यह तर्कसम्मत है। अब यहां पर बहुत बड़ी बात है, भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि तुम्हारे तर्क को सही लग रही है फिर भी मत मान लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तर्क भी गलत हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे तर्क को सही लग रही है तो हम मान लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेके थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा कि जैसे कि अभी मान लीजिए कि आप लोगों को पता नहीं है कि जैसे कि पहले पता नहीं था सब लोगों को कि ये जो पृथ्वी है वो सूरज के आसपास घूम रही है, ठीक है, तो पहले के लोगों को पता नहीं था, तो वैसे ही हम लोग भी अभी है ऐसा मान लीजिए, ठीक, तो हम अभी देखते हैं आसमान में और कोई हमारा दोस्त बताता है देखिए ये सूरज घूम रहा है, हम तो वहीं पर हैं, सूरज वहाँ से वहाँ जा रहा है और घूमते के वापस आ जाता है, तो हम पृथ्वी स्थिर है, सूरज हमारे आसपास घूमता है। अब हम तर्क से सोचते हैं, जितना हमारा तर्क चल रहा है और देख पा रहे हैं तो उससे सोचते हैं तो हम देख पाते हैं कि अरे हाँ यार ये तो बंदा सही कह रहा है कि पृथ्वी तो घूम नहीं रही, पृथ्वी तो मैं तो यहीं पर स्थिर हूँ लेकिन सूरज घूम रहा है, तो ये तर्क से सही लगता है, लेकिन ये सच है क्या? अभी हम सबको पता है कि ये सच नहीं है, ये झूठ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो तर्क पे सही लग जाती है, हमें लगता है कि नहीं नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है, देखने पर भी ये बात सच मालूम होती है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी बातों में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि तर्कसम्मत लगे कोई कोई बात, कि तुम्हारे तर्क को सही लग रही है, देखने से भी ये सच मालूम पड़ रही है, लेकिन कभी कभी वो झूठ हो सकती है, तो इसलिए भी कभी मत मान लेना कि अरे मेरे तर्क को सही लग रही है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह न्याय सम्मत है,
ठीक है। अब न्याय सम्मत की बात कैसे है कि कुछ कुछ बातें हमें लगता है कि यार ये तो सही बात है, मतलब जैसे कि एक रिलीजन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है अभी आप सभी लोग बताइएगा कि वो सही है कि गलत है। तो उसमें ऐसा बताया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति के सिस्टर को मार देता है या उसी किसी व्यक्ति के सिस्टर को बुरा भला जो भी है वो कर लेता है, तो जो व्यक्ति के सिस्टर के साथ हुआ है उसको भी ये मतलब मिल जाता है पावर कि तुम भी उसकी सिस्टर के साथ ऐसा कर सकते हो। तो सब लोग कहेंगे अरे यार ये तो सही बात है, ये न्याय सम्मत बात है, ठीक है, ऐसी बात वो धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है, लेकिन क्या वो सही है? नहीं है सही, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं कि कभी कभी ऐसा ऐसा भी लगता है कि ये बात तो न्याय सम्मत है, ठीक है, लेकिन वो न्याय सम्मत होने के बावजूद भी वो सही नहीं होती है। इसलिए फिर भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि आकार प्रकार सुंदर है, मतलब जो बता रहा है वो बताने का तरीका उसका बहुत सुंदर है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि ये हमारे मत के अनुकूल है, यानी कि मेरा बिलीफ है। जैसे किसी का बिलीफ होता है कि आत्मा है, किसी का बिलीफ होता है कि परमात्मा है, किसी का बिलीफ होता है कि ये वो देवता है या परमेश्वर है, ये कि सबने इसको बनाया, मतलब सब लोगों को उन्होंने बनाया है, ऐसा बिलीफ भी होता है। किसी का होता है कि आत्मा परमात्मा नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हारे बिलीव्स पहले से तैयार है, उसके मुताबिक भी अगर बात है तब भी मत मान लेना, ठीक है। फिर आगे बताते हैं कि जो बता रहा है ये सब बातें, ठीक है, आपको मतलब कालामों को आकर जो जो बातें बता रहे थे, जो श्रमण ब्राह्मण थे वो बता रहे थे, तो उनका व्यक्तित्व आकर्षक है, ठीक है, तो इसीलिए मत स्वीकार कर लेना। किसी की आवाज देखिए, ठीक है, कोई कोई इंग्लिश अच्छा बोल देता है तो वो बड़े गुरु बन जाते हैं, कोई कोई की आवाज इतनी सुंदर रहती है तो वो बड़े गुरु बन जाते हैं, ठीक है। तो किसी किसी का इस प्रकार के व्यक्तित्व आकर्षक है तो इसलिए भी उसका बात मत मान लेना। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने बताया कि ये बातें हैं फिर भी मत मानना, ठीक है। अब आगे है तो भगवान बुद्ध ने बताया है कि किस बातों को मानना है फिर, लेकिन यहाँ पर ही सब लोग अटक गए, इतनी बातों को ही पकड़ कर बैठ गए और जहां देखे वहां पर मतलब चिपका देते हैं ये बातें। अब इसमें देखिए कि आपको कहीं पर भी भगवान बुद्ध का ऐसा नहीं बताया कि मेरी बात मत मानो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, लेकिन वो लोग गूगल से देखते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और चिपका देते हैं, उनको लगता है कि ऐसा लिखा है कि भगवान बुद्ध की बात भी मैं ही मानो, इसलिए हम तो भगवान बुद्ध की बात भी नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये सब है, ठीक है। फिर भगवान बुद्ध आगे बताते कि हे कालामो, जब तुम आत्म अनुभव से अपने आप ही जानो कि यह बातें अकुशल है, मतलब कि यह बातें गलत है, ये बातें सदोष है, मतलब कि ये बातों में दोष है, ये बातें विघ्न पुरुषों द्वारा निंदित है, यानी कि ये बातें जो विघ्न पुरुष यानी कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उनके द्वारा ये बातों का निंदा की जाती है, जैसे कि प्राणी हत्या, झूठ बोलना, अपने जिससे शादी की है उस पुरुष या स्त्री को छोड़कर दूसरे पुरुष और स्त्री के साथ संबंध बनाना, ये सब बातें जो ज्ञानी पुरुष है वो निंदा करते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर ये बातें विघ्न पुरुषों द्वारा निंदित है तो इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है, दुख होता है, तो हे कलामो उन बातों को छोड़ देना। तो भगवान बुद्ध ने ये अभी शॉर्ट में बताया, अभी आगे देखेंगे कि वो डिस्क्राइब करके बताएंगे कि किस किस बातों को मानना है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि जब जब ये जो 8 या 9 चीज़ें बताई उसके अनुकूल है फिर भी नहीं मानना है, और कैसी बात है, अकुशल है, दोषयुक्त है, जो ज्ञानी पुरुष से निंदा करते हैं वैसी बातें अगर कोई सिखा रहा है तुमको, वैसी टीचिंग्स दे रहा है कोई, तो उसको भी नहीं मानना है। फिर आगे भगवान बुद्ध बताते हैं, तो हे कालामो क्या मानते हो, पुरुष के अंदर जो लोभ उत्पन्न होता है, ठीक है, जो अंदर से लोभ उत्पन्न होता है हमारे चित्त में, जैसे कि किसी शॉप पर गए, किसी दुकान पर गए, दुकान पर जाकर किसी ने हमें 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, ठीक है, अब हमें लगेगा चलो 10 रुपये लेके चले जाता हूँ, ठीक है, तो ये लोभ उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो भगवान बुद्ध बताते क्या मानते हो, पुरुष के अंदर जो लोभ उत्पन्न होता है वो उसके हित के लिए होता है कि अहित के लिए, ठीक है, कालामों से पूछते हैं। तो जो कलाम होते हैं, जो लोग बैठे हुए थे पूरी कम्युनिटी, वो बताती है कि बनते ये तो अहित के लिए होता है, मतलब हित के लिए नहीं होता, अच्छे के लिए नहीं होता, लोभ तो बुराई की तरफ ही ले जाता है हमेशा, तो ये अहित के लिए होता है।
फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो लोभी है, जो लोभ से अभिभूत हो गया है, जो असंयत है, मतलब कि कंट्रोल में नहीं है अपना मन उसके, वो प्राणी हत्या भी करेगा, चोरी भी करेगा, परस्त्री गमन भी करेगा, झूठ भी बोलेगा और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा देगा कि अरे प्राणी हत्या करो कुछ नहीं होता, मार मार के खा लो सब कुछ, या फिर चोरी करो कुछ नहीं होता, ठीक है, अपने पुरुष या अपने मतलब पति पत्नी को छोड़कर बाहर मतलब संबंध बनाओ उससे जो कुछ नहीं होता, ऐसी बातें भी वो सिखाएगा जो दीर्घ काल तक बड़े लंबे समय तक उसके अहित तथा दुख का कारण होती है। तो कलाम कहते हैं हाँ बनते, ये ऐसा ही है, आप जो कह रहे हैं वो अच्छी सही बात है, सच्ची बात है, ऐसा ही है। फिर भगवान बुद्ध दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मानते हो कलाम कि पुरुष के अंदर जो द्वेष उत्पन्न होता है तो वो अच्छे के लिए होता है कि बुरे के लिए होता है? तो कलाम कहते हैं कि बनते अहित के लिए होता है, यानी कि बुरे के लिए होता है ये, क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं कि जब द्वेष उत्पन्न होता है तो द्वेष के कारण क्या होता है, द्वेष के कारण भी लोग प्राणी हत्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, जो भी सील है उसका भंग कर देते हैं और बुरे कर्म की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे भगवान बुद्ध ऐसा एक तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि पुरुष के अंदर मतलब कोई व्यक्ति के अंदर जो मोह उत्पन्न होता है वो भी अच्छे के लिए होता है कि बुरे के लिए होता है? तो वो लोग इसी प्रकार से आंसर देते हैं कि वो भी बुरे के लिए ही होता है, यानी कि लोभ हो गया, द्वेष हो गया, मोह हो गया, मोह यानी कि मूर्खता, ठीक है, मूढ़ता कह सकते हैं या मूर्खता कह सकते हैं, तो वो भी अहित के लिए होता है, लोगों के बुरे के लिए ही होता है, अपना भी बुरा तो होता ही है बाद में, लेकिन सामने वाले लोगों का भी बुरा होता है। तो वो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ बनते कि जैसे भगवान आप बता रहे हो वैसा ही है कि जो राग है, द्वेष है, मोह है, ये सब जब उत्पन्न होता है मन में तो ये बुरे के लिए ही होता है। फिर देखिए भगवान बुद्ध स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, अब भगवान बुद्ध क्या पूछ रहे देखिएगा। अब भगवान बुद्ध कहते हैं तो कलाम क्या मानते हो कि ये जो धर्म है वो कुशल है या अकुशल, ठीक है, यानी कि ये लोभ है, द्वेष है, मूर्खता है, वो कुशल टीचिंग्स है, मतलब कुशल धर्म, धर्म को भगवान धम्म शब्द है, अभी हिंदी में पढ़ रहा हूं तो धर्म कह रहा हूं, ठीक है, तो अभी धर्म का शब्द, धर्म का अर्थ रिलीजन हो गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने उस प्रकार से यूज नहीं किया है, धर्म का अर्थ है टीचिंग्स, शिक्षा। तो ये जो राग द्वेष मोह बढ़ाने वाली टीचिंग्स है वो कुशल है या अकुशल है? तो कलामो कहते हैं कि वो तो अकुशल है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि सदोष है या निर्दोष है, यानी कि ये जो टीचिंग्स कोई दे रहा है जिसमें राग बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, मूर्खता बढ़ रही है, तो ये टीचिंग्स दोष वाली है कि निर्दोष है, जिसमें दोष नहीं है, ऐसी बात है? तो बनते ये तो दोष वाली बात है, सदोष है। फिर कहते हैं कि ये विघ्न पुरुषों द्वारा, यानी कि ज्ञानी पुरुषों के द्वारा निंदित की जाती है ये बातें, कि प्रशंसा की जाती है ये बातों की, कि चलो तुम एक साथ इतनी सारी शादी कर लो, ठीक है, तो ये क्या करता है, राग बढ़ा रहा है, तुम्हारी काम वासना बढ़ रही है इससे, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ठीक है, तो इस प्रकार के भी टीचिंग्स दे जाती है। कुछ कुछ ऐसे भी टीचिंग्स दे जाती है कि जो हमारी बातों को नहीं मानता है उसको जीने का अधिकार ही नहीं है, उसको मार देना ही सही है, ऐसी भी टीचिंग्स दी जाती है। तो जो जो द्वेष बढ़ाने वाली है तो ये टीचिंग्स को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो भगवान बुद्ध इसीलिए ये सब पूछ रहे हैं कि ये जो टीचिंग्स है जो राग बढ़ाती है, द्वेष बढ़ाती है, लोभ बढ़ाती है, मूर्खता बढ़ाती है, ये सब विघ्न पुरुषों द्वारा निंदा की जाती है या प्रशंसा की जाती है? तो सब लोग कहते हैं कि इसकी तो निंदा की जाती है। फिर भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि ये जो राग बढ़ाने वाली, द्वेष बढ़ाने वाली और मोह बढ़ाने वाली ये जो टीचिंग्स है जो बाकी सब आज के ज़माने में भी दे रहे हैं और उस जमाने में भी देते थे, तो ये जो टीचिंग्स है उसका जो आचरण करे अगर कोई व्यक्ति उस पर चले तो उसका अहित के लिए होगा, उसके दुख के लिए होगा या फिर उसके दुख के लिए नहीं होगा, इस विषय में तुम्हें क्या लगता है? तो कलाम कहते हैं कि बनते परिपूर्ण करने पर, मतलब कि ये सब जो टीचिंग्स है उसको परिपूर्ण करने पर उसका अगर कोई आचरण करे तो उसका अहित ही होगा, उसका दुख ही मिलेगा, इस विषय में हमें ऐसा ही लगता है। फिर भगवान बुद्ध अपनी बातों को दोहराते हैं तो हे कलामो यह जो कहा गया है, अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान बुद्ध फिर से बता रहे हैं कि यह जो कहा गया है, यानी कि भगवान बुद्ध ने जो पहले बताया था कि यह जो कहा गया है कि आओ तुम किसी बात को इसलिए मत स्वीकार करो, यह बात अनुश्रुत है,
केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि ये परंपरा से चलती आ रही है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि ये बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म ग्रंथ के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह तर्क को अच्छी लग रही है, सही लग रही है और यह न्याय शास्त्र के सम्मत है और किसी अच्छे या बड़े जो इसको सब लोग मान सम्मान दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति ने दिए या उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, तो इसीलिए बातों को स्वीकार मत करना। जो बातें सदोष है, जो बातें अकुशल है, जो विघ्न पुरुषों द्वारा निंदित है, उस पर चलने से अहित और दुख ही होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो बातें है उस पर चलना नहीं है और उसका एक पैरामीटर बताया कि इस प्रकार से तुम चेक करना। ठीक है, कैसे चेक करना है हमें? कोई टीचिंग्स कोई सिखा रहा है, कोई भी व्यक्ति, मतलब हिंदू धर्म से ले लो, हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, ठीक है, बाकी भी बुद्धिज्म के जो पार्ट होते हैं उसमें से ले लो, या फिर किसी भी टीचिंग्स को ले लो, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, किसी में भी आप हो, ठीक है, तो उसमें ये देखना है कि ये बातें जो है, कोई भी बात को, एक बात को पकड़ना और देखना ये राग बढ़ा रही है, ये द्वेष को फैला रही है या मोह को फैला रही है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, तुम उन बातों को छोड़ दो, ये जो कुछ कहा गया है ये इसी संबंध में कहा गया है, तो इन बातों को छोड़ देना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने पैरामीटर दिया है हमें, ठीक है, कि राग बढ़ा रहा है, द्वेष बढ़ा रहा है, मोह बढ़ रहा है, उस बातों से, उस टीचिंग से, जो व्यक्ति उस टीचिंग्स को दे रहा है, उस टीचिंग से ये सब बढ़ रहा है, तो ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने उनका सॉल्यूशन ला दिया कि उनको क्या क्या बातें, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मेरी बात सही है, तुम बुद्धिज्म को स्वीकार कर लो या धम्म के शरण में आ जाओ, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने बताया कि ये पैरामीटर से, इससे तुम चेक करना हर बात को, कोई भी आके तुम्हारे शहर में या अभी आप रहते हो आपके मंदिर में या विहार में या चर्च या जो भी होता है उसमें आकर कुछ बातें बता रहा है, तो उससे चेक कर सकते हैं हम कि उससे राग बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है या मोह बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है लोगों के अंदर तो उस बातों को नहीं मानना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो अलोभ उत्पन्न करे, ऐसी टीचिंग्स दे रहा है, यानी कि लोभ को कम कर दे, नष्ट कर दे, ऐसी टीचिंग्स दे रहा है, तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि वो अच्छे के लिए होती है कि बुरे के लिए होती है, सुख का कारण बनती है। तो सब लोग कहते हैं हाँ, सुख का कारण ही बनती है, ठीक है। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध द्वेष के लिए बताते हैं कि कोई ऐसी टीचिंग्स दे रहा है कि जिससे द्वेष कम हो रहा है, जैसे कि भगवान बुद्ध की टीचिंग्स है कि भगवान बुद्ध की दिग्ध निकाय में फर्स्ट सूत्र में ये टीचिंग्स है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे, मतलब भगवान बुद्ध को, धम्म को या संघ को कुछ भी बोलता है, कुछ बुरा भला बोलता है, तो तुम उसके लिए कभी भी द्वेष उत्पन्न मत करना, कभी भी क्रोध उत्पन्न मत करना, ठीक है, यही मेरी शिक्षा है, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा देखिए क्या है, राग बढ़ा रही है, नहीं, द्वेष बढ़ा रही है, नहीं, कम कर रही है द्वेष तो, ठीक है, मूर्खता बढ़ा रही है, नहीं, तो वो टीचिंग्स फॉलो करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, तो भगवान बुद्ध ने इसलिए बताया हुआ है। तो आप बाकी सारे रिलीजन या अपने पर भी चेक कर सकते हो कि ये सब बातें किस बात पे मानना है। तो भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि जो बातें अद्वेष बढ़ा रही है, मतलब कि द्वेष कम कर रही है, ठीक है, जो बातें आपको संयत कर रही है, ऐसी बातें है, तो उससे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसके ऊपर चलना चाहिए, उसमें बिलीव करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, राग कम होता है, द्वेष कम होता है, लोभ और मूर्खता कम होती है, तो क्या होता है, जो जो पाप कर्म है वो कम हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी टीचिंग्स दे रहा है कि राग बढ़ जाए, द्वेष बढ़ जाए, मोह बढ़ जाए, तो इस टीचिंग से क्या होता है, ये सब बढ़ता है और संसार में भी ये उपद्रव फैल जाता है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। तो ये एक पैरामीटर भगवान बुद्ध ने बताया है कि किस प्रकार से चेक करना है कि जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ सही है या गलत है, किसको, किस मार्ग को पकड़ना है, किस गुरु कह लो या किस रिलीजन को मानना है, तो उससे आप चेक कर सकते हो, ये कालाम सूत्र इसलिए है। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि हे कालामो, जो आर्य श्रावक इस प्रकार लोभ रहित होता है, ठीक है, क्योंकि वो टीचिंग्स को फॉलो कैसे कर रहा है, जिसमें लोभ कम हो रहा है, राग कम हो रहा है, मूर्खता कम हो रही है, इस प्रकार लोभ रहित होता है, क्रोध रहित होता है, मूढ़ता रहित होता है, जानकार होता है, यानी कि जागृत बनता है, ठीक है,
स्मृतिमान होता है। स्मृति का अर्थ भी यही होता है कि जागरूक बनना, अवेयर बनता है, माइंडफुलनेस उसका बढ़ता है, स्मृतिमान होता है। वह एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा, ऐसे चारों दिशाओं में अपने मैत्री चित्त से स्पर्श करके विहार करता है। यानी कि उसके चित्त में सिर्फ मैत्री ही होती है सबके लिए, क्योंकि उसका राग द्वेष और क्रोध तो नष्ट हो गया है, तो क्या रहेगा, सिर्फ मैत्री ही बचेगी सबके लिए। कोई अच्छा है या बुरा इसलिए नहीं, उसके सबके लिए, सब सत्वों के लिए, जो दृश्य और अदृश्य है दोनों के लिए मैत्री ही चित्त उत्पन्न होकर विहार करेगा। ऊपर नीचे बीच में सर्वत्र सब तरह से सब प्रकार से सारे लोक को विपुल, उदार, अप्रमाण, अवेरी, अक्रोधी और मैत्री युक्त चित्त से स्पर्श करके विहार करता है। हे कलामो, उस इस प्रकार के अवेरी चित्त, अक्रोधी चित्त, असंक्लिष्ट चित्त, उस शुद्ध चित्त आर्य श्रावक को इसी शरीर में चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो जाते हैं। भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि लोभ जब कम हो जाएगा, क्रोध उसका मिट जाएगा, मूढ़ता नष्ट हो जाएगी, तो इस प्रकार से उसके मन में मैत्री ही उत्पन्न होगी और मैत्री युक्त चित्त लेकर ही सब जगह जाएगा। उसको कभी भी ये राग द्वेष मोह क्रोध उत्पन्न नहीं होगा अगर ऐसी टीचिंग्स को फॉलो की है तो। ठीक है, अगर वो ऐसी टीचिंग्स को फॉलो कर रहा है तो उसको चार प्रकार के आश्वासन मिल जाते हैं। अब कौन से चार प्रकार के आश्वासन मिलते हैं वो देखते हैं कि भगवान बुद्ध यहाँ पर पॉसिबिलिटी में बात कर रहे हैं, कि पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि यदि परलोक है, ठीक है, भगवान बुद्ध यहाँ बता रहे हैं कि अगर इस लोक के अलावा भी दूसरे लोक है जिसमें दुख मिलता है और कुछ में सुख मिलता है, तो ऐसे लोक है, ठीक है, और क्या, यदि सुकृत दुष्कृत का फल मिलता है, सुकृत यानी कि कृत यानी कि कर्म, ठीक है, दुष्कृत यानी कि बुरे कर्म, सुकृत यानी कि अच्छे कर्म, ठीक है। भगवान बुद्ध कहते हैं, पहली पॉसिबिलिटी बताते हैं कि यदि परलोक है, इस लोक के अलावा भी दूसरे लोक है, यदि अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी में बात हो रही है, तो यह होगा कि शरीर छूटने पर, मतलब जो व्यक्ति ने राग द्वेष मोह कम कर रहे हैं, ऐसी टीचिंग्स को फॉलो किया है, तो उसके शरीर के छूटने पर, मतलब मरने पर, उसको सुगति को प्राप्त होएगा। वो कहाँ जाएगा, सुगति में प्राप्त होगा, वहां जन्म होएगा जहाँ अच्छी गति होती है, जिसे अभी की लैंग्वेज में स्वर्ग सब लोग बोलते हैं, तो वो स्वर्ग लोक में पैदा होएगा। यह उसे पहला आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यह सबसे पहली बात है कि ये पहला आश्वासन उसे प्राप्त हो जाता है कि यदि परलोक है, उसने अच्छे कर्म भी किए हैं, ठीक है, अब परलोक है तो उसकी सुगति हो जाएगी मरने के बाद। अब दूसरा आश्वासन मिलता है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी में बात हो रही है, तो यदि परलोक नहीं है, ठीक है, और ऐसे मान लीजिए कि सच में परलोक नहीं है, ठीक है, यदि परलोक है ही नहीं, अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी नहीं मिलता है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, तो वो व्यक्ति कैसा जीवन जिएगा, तो मैं यहाँ इसी शरीर में अवेरी होकर, अक्रोधी होकर, दुख रहित होकर, सुखी होकर विचरण करता हूँ, यह उसके लिए दूसरा आश्वासन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि उसने अच्छे से सील पालन किया है, राग द्वेष मोह में आकर प्राणी हत्याएं छोड़ दी है, झूठ बोलना छोड़ दिया है, जैसे कि जो लोभ बढ़ाने वाले जो चोरी करते हैं, लोभ बढ़ जाता है तो चोरी करना छोड़ दिया है, फिर नशीले पदार्थों का सेवन करना छोड़ दिया है, लोगों का अपमान करना छोड़ दिया है, क्योंकि ये सब छोड़ता कौन है, जिसके अंदर अवेर यानी कि वैर उत्पन्न नहीं हो रहा, क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा, ये लोग छोड़ते हैं। बाकी जो मूर्ख लोग होते हैं जिसके अंदर क्रोध और वैर उत्पन्न होता है, वो इन बातों को नहीं छोड़ पाते, तो ये जब वो छोड़ रहा है तो उससे क्या होता है, उसका अभी का जीवन, अगर परलोक नहीं है ऐसा मान ले, तो अभी का जीवन तो उसका अच्छा हो ही जाता है। ये उसको दूसरा आश्वासन मिल जाता है कि अभी उसका जो जीवन है वो तो पक्का उसका मतलब कि अच्छा हो जाएगा। कि तीसरा आश्वासन क्या होगा, अगर हम ऐसी टीचिंग्स को फॉलो करें जो राग द्वेष मोह को कम कर रही है, ऐसी टीचिंग्स फॉलो करें, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि कुछ बुरा करने से बुरा होता है, ठीक है, कुछ बुरा करने से बुरा होता है, तो वो सोचता है कि अगर संसार में ऐसा हो रहा है सच में कि अगर मैं बुरा करूं तो मेरे साथ भी बुरा होगा ही, अगर संसार का यह नियम है, ठीक है। भगवान बुद्ध यहाँ पॉसिबिलिटी में बात कर रहे हैं, अपनी टीचिंग्स थोप नहीं रहे,
उनको सिखा रहे कि इस तरीके की संभावना है, तो देखिए आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे अगर आपने ऐसी टीचिंग्स को फॉलो किया है लाइफ में जो राग द्वेष मोह को कम कर रही है, तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। ये प्रॉफिट क्या है, चार प्रॉफिट बता रहे हैं भगवान बुद्ध भी, कि अगर ऐसा है कि बुरा करने से बुरा ही मिलता है, बुरा ही होता है मेरे साथ, तो वो सोचेगा जिस जो व्यक्ति मतलब अच्छे शील पालन कर रहा है राग द्वेष मोह को कम करके, तो वो सोचेगा कि किसी का बुरा तो मैंने सोचा ही नहीं है, तो बुरा करने की बात तो दूर की बात है, जबकि मैंने कोई पाप कर्म ही नहीं करता हूँ तो मुझे दुख कैसे स्पर्श होगा, मुझे तो दुख मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैं पाप कर्म कर ही नहीं रहा हूँ। तो इससे उसे तीसरा आश्वासन मिल जाता है। फिर चौथा आश्वासन भगवान बुद्ध बताते हैं कि यदि बुरा करने से बुरा नहीं होता है, ऐसा संसार का नियम है, अगर मान लिया जाए कि बुरा करने से बुरा नहीं होता है, संभावना में बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि संभावना बताई जा रही है क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि फिर कमेंट आएगी कि ऐसे कैसे कि बुरा नहीं, बुरा करने से भी बुरा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये संभावना भगवान बुद्ध बता रहे हैं, ठीक है। तो यदि बुरा करने से बुरा नहीं होता है तो मैं अपने आप को दोनों दृष्टियों से विशुद्ध पाता हूँ, यह उसके लिए चौथा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। तो हे कालामो, इस प्रकार के अवैरी चित्त, अक्रोधी चित्त, असंकलिष्ट और शुद्ध चित्त व्यक्ति को इसी शरीर में चार प्रकार के आश्वासन या प्रॉफिट या कुछ भी आप जो कहना चाहते हो वो प्राप्त हो जाते हैं। तो वो कालाम जो होते हैं, जो सब लोग बैठे हुए थे, उनको जो प्रॉब्लम थी कि हम किसकी शिक्षा का पालन करें, हमारे यहाँ जैन धर्म के लोग भी आते होंगे, उनके वहाँ चारवाक लोग भी जाते होंगे, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आजीविक लोग भी जाते होंगे, अपने अपना मत बताते होंगे, तो वो सोचते हैं, उनको जो प्रॉब्लम थी कि हम किसकी बातों को माने, कौन सही है कौन गलत है, तो भगवान बुद्ध ने पैरामीटर दे दिए कि ऐसी ऐसी बात है फिर भी मत मान लेना, अगर राग द्वेष मोह बढ़ रहा है, अगर कोई तर्कसंगत बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें राग बढ़ रहा है तो छोड़ देना, तर्क को भी छोड़ देना, राग नहीं बढ़ना चाहिए, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है कि न्याय सम्मत लग रही है, अरे उसने मुझे मारा तो मैं उसको मार दूंगा, बात खत्म, यही न्याय है, ऐसी भी किताबें लिखी हुई है दुनिया में, ऐसे भी रिलीजन है, तो उससे क्या बढ़ता है, क्रोध बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, तो इस बातों को भी मत मानना। तो भगवान बुद्ध ने पैरामीटर दिया कि जो राग बढ़ा रहे है, क्रोध बढ़ा रहा है, लोभ बढ़ा रहा है, मूढ़ता यानी कि मूर्खता बढ़ा रहा है, ऐसी टीचिंग्स कोई दे रहा है तो उसको मत मानना, उसकी उल्टी टीचिंग्स को मानना, यानी कि राग द्वेष मोह कम हो रहा है ऐसी टीचिंग्स को मानना, क्योंकि उसमें आपको ये चार प्रकार के जो भगवान बुद्ध ने आश्वासन बताए वो आश्वासन इसी शरीर में प्राप्त हो जाते हैं, तो आपका प्रॉफिट ही रहेगा, लोक परलोक है या नहीं दोनों में आपका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, किसी का बुरा करने से मेरा भी बुरा होगा या नहीं होगा, वैसा अगर संसार का नियम है तो उसमें भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, आपका कभी बुरा होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने बताया है। तो ये सब बातें सुनी जब कालामों ने, तो कालाम क्या कहते हैं वो सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कहेंगे कि भगवान ऐसा ही है, सुगत ऐसा ही है, माने कि आप जो बता रहे हो भगवान वैसा ही, अब मतलब जो बता रहे हो सत्य है, हमने भी ऐसा ही जाना है। बनते इस प्रकार के अवैरी चित्त, अक्रोधी चित्त, असंकलिष्ट चित्त, शुद्ध चित्त व्यक्ति को इसी शरीर में ये चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो जाएंगे। वो सुनते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ ये चार प्रकार के आश्वासन मिल ही जाएंगे अगर कोई राग द्वेष मोह कम करने वाली टीचिंग्स को फॉलो करता है तो, ठीक है। फिर आगे वो लोग बताते हैं कि बंते आपने जो कहा वो बहुत सुंदर है, ठीक है, यह हम भगवान की धर्म की तथा भिक्षु संघ की शरण ग्रहण करते हैं। बंते भगवान आज से प्राण रहने तक जब तक हमारा जीवन चल रहा है तब तक हम आपके शरणागत उपासक बने। तो सारे के सारे जो थे कालामो वो भगवान बुद्ध की शरण आ जाते हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स बताई नहीं, ठीक है, भगवान बुद्ध ने इसमें अपनी टीचिंग्स बताई ही नहीं है, भगवान बुद्ध ने बात की है कि किस बातों को मानना है, किस बातों को किस बातों पे मानना है, मतलब क्या पैरामीटर है मानने के लिए, ठीक, तर्क बात हो तो भी नहीं मानना है, फिर जैसे कि बहुत सारे परंपरा से चलती आ रही है तो भी नहीं मानना है, बहुत सारे लोग इस बारे में बता रहे हैं तो भी नहीं मानना है, वो जो बताने वाला है उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, उसकी वाणी बहुत आकर्षक है तो भी नहीं मानना है। फिर भगवान बुद्ध ने बताया कि क्या कैसे मानना है, वो भी बताया कि कैसे मानना है,
कि राग कम हो रहा है उससे, ये देखना है। द्वेष कम हो रहा है क्या उस टीचिंग से? लोभ कम हो रहा है क्या उस टीचिंग से? अगर हाँ तो उस बात को मानना है, उस टीचिंग्स को फॉलो करना है हमें। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने कालाम सूत्र में बताया है। तो ये कालाम सूत्र में कहीं पर भी भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं बता रहा हूँ वो सही है, ऐसा कभी नहीं बताया। और ऐसा भी नहीं बताया है कि मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको भी मत मानना, ऐसा भी नहीं बताया है कहीं पर भी भगवान बुद्ध ने। ठीक है, भगवान बुद्ध ने बताया कि राग द्वेष मोह कम हो रहा है, आप खुद देखिएगा। अब ये मेरे ख्याल से सभी लोग इतने तो बुद्धिमान होते ही है कि टीचिंग्स कोई दे रहा है तो उसको सुनकर समझकर हम देख सकते हैं अप्लाई करके अपने जीवन में, कि इससे राग बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो देख सकते हैं। अगर राग द्वेष क्रोध बढ़ रहा है तो उस टीचिंग्स को नहीं मानना है। अगर कम हो रहा है ऐसी टीचिंग्स है तो उसको मानना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि भगवान बुद्ध ने नहीं कहा कि आप धम्म में आ जाइए, आप मेरी टीचिंग्स को फॉलो करिए, ऐसा नहीं बताया। फिर भी देखिए वो सभी कालामों भगवान बुद्ध की शरण में आ गए, जो बाकी धर्मों की मतलब बाकी जो उस समय के संप्रदाय थे उनकी शरण में नहीं गए, लेकिन भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। ठीक है, तो भगवान बुद्ध की जब भी कोई बात सुनो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आगे पीछे की बातें सुननी है, जाननी है। ऐसा नहीं है कि बीच से कुछ उठाकर हमने चिपका दिया, कहीं पर भी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ना ही ऐसे ही समझना है। भगवान बुद्ध कोई बता रहे, कुछ चीज बता रहे है, तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही उत्तर देंगे भगवान बुद्ध। ठीक है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। और जो बताया उसके बाद भी क्या क्या घटना घट रही है, क्या क्या आगे बताया है, वो भी जानना जरूरी है। अब सब लोग क्या करते हैं कि कलाम सूत्र जब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ इतनी ही बात को ऑनलाइन कहीं पर भी मतलब सर्च करके पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि कलाम सूत्र हो गया। ये कलाम सूत्र थोड़ी है, उसमें भी बहुत सारी त्रुटि है जो ऑनलाइन लिखा हुआ है। आपको सही में कलाम सूत्र पढ़ना है तो PDF मतलब मैसेज कर दीजिएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजूंगा, वहां पर से PDF मिल जाएगी आपको। या फिर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो भी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, सुत्ता सेंट्रल या फिर एक्सेस टू इनसाइट, ये जो वेबसाइट है उस पर सर्च कर लीजिएगा, तो आपको इजीली कलाम सूत्र पाली भाषा में भी मिल जाएगा और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कलाम सूत्र का ये सच है, जो बाकी लोग बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि भगवान बुद्ध बताया कि मेरी बात को भी मत मानो, किसी भी बात को मत मानो, तो ऐसा नहीं बताया भगवान बुद्ध ने, बताया कि किस बात को मानना है, वो भी कलाम सूत्र में ही बताया है कि राग द्वेष मोह कम हो रहा है, ऐसी टीचिंग्स है तो इसको फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा बताया हुआ है। और कैसी बातों को नहीं मानना है उसके लिए भी पैरामीटर जो मैंने बताए 9-10 वो भी देखने हैं कि ये ऐसा है तो नहीं मानना है। ठीक है, और क्या क्या मानना है उसके भी पैरामीटर बताए। तो इस प्रकार से कलाम सूत्र है और 4 प्रकार के आश्वासन भी है उसमें, कि अगर आप राग द्वेष मोह कम हो रहा है वैसी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको 4 प्रकार के आश्वासन मिल जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के आपके प्रॉफिट्स में ही, मतलब इस जीवन में प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, अब आप बताइए कि आप प्राणी हत्या को छोड़ देते हो तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे कि नुकसान में जाओगे, सच बताइए। अब प्राणी हत्या करके पता नहीं कोई कैसे सो पाता होगा, मुझे समझ में नहीं आता। या तो मतलब एक चींटी मर जाती है तो हम सोचते रहते हैं अरे यार क्या हो गया, गलती से हो गया, माफ़ी मांग लेते हैं। ठीक है, तो पता नहीं प्राणी हत्या, इतनी बड़ी बड़ी प्राणी हत्या करके कैसे सोते होंगे सब लोग। तो इस प्रकार का कलाम सूत्र है ये, और शायद आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा और सबको उपयोगी होगा अपने जीवन के लिए। समाप्त करते हैं और नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम और सबका मंगल हो।